हम उस चीज के पे कर रहे हैं, हम खुद निपटेंगे। आज ठीक है आप चले जाए बोले स्कूल में, सिर्फ इंस्पेक्टर अगर कुछ बच्चे को कह भी दे फॉरन वाले आते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? पहले उस्ताद वही बात है कि ये भी नहीं कह रहे कि नौजदा खाल भेड़ दें आप, लेकिन हदीस में क्या आता है ये भी याद रखिएगा, जहाँ उस्ताद की मार पड़ती है ना, यानी जिसम पर जहाँ उसके हाथ लगते हैं, अब ये बात बहुत समझ है कि जहाँ उस्ताद का हाथ लगे वो जगह अल्लाह जुहन्नम की आंख से पाक कर देता है। महबूबा मार सकता है लेकिन उस सूरत में वाकई वो बच्चा तरबियत के मराहल से नहीं सीख रहा, वो जुबान से इसलाह उसकी नहीं हो रही, वो सूरत है। लेकिन अभी यहाँ तो अलग मामला है, यहाँ आप देखिए कि उस्ताद को मारा जा रहा है ना कि शागिर्द पिट रहे हैं, और शागिर्द भी इतने बच्चे नहीं, मानो जवान है। याद रखिएगा माँ बाप का दर्जा हम समझते जो है, अल्लाह के रसूल ने तीन कैटेगरीज बयान फरमाई है कि माँ बाप के दर्जे में सिर्फ आपके सगे वालदे नहीं आते, एक आपके वालिद, दूसरे आपके ससुर, और तीसरा आपका उस्ताद। अब इससे मुराद के हुजूर ने ये फरमाया ना कि तुम्हारे वालिद अगर नहीं है वो अपने ससुर की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें वही अदर देगा जो बाप का अदर देगा। तुम्हारे अगर ससुर नहीं है तो भाई तुम्हारा उस्ताद तो है, तो जो उस्ताद की तुम कदर मंजिलत करोगे वही सवाब तुम्हें जो बाप की खिदमत का मिलता है वही मिले। मेरे नबी के हदीस है ना, बहुत हदीस झूठी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँ समझने के लिए, मुफ्ती साहब आपने जब कहा जब ये वीडियो चली जा रहा है यकीनी तौर से उसकी मजम्मत करते हैं, यानी बच्चे उस्ताद को मारे तो मुमकिन ही नहीं, मगर मुझे लगता है ये मेरा सवाल भी है, उस्ताद बच्चे को मारे ये भी माशरे मुमकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा सवाल है क्या एक भी वाक्य ऐसा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मार के पीट के सिखाया और समझाया? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आपके भाई, ठीक है मारने का हुक्म मुराद के मारा तो नहीं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि मेरी रस्म यह हदीस नहीं गुजरी कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को